I see Hell? Just help me. We have... Please help me. Bless me, Basho. Bachao. Mujhe help me, please. Just help me. चलो भाई, बहुत बना ली बॉडी। अभी यहाँ पर ये वाली मशीन है, ये बिल्कुल कुछ काम की नहीं। यहाँ पर जंप करेंगे और हम डायरेक्ट जाएंगे सीधा इस वाली छत के ऊपर। लेट्स गो भाई। मशीन तो सारी सब कुछ नॉर्मल है, इनसे थोड़ी बॉडी बनती है। यहाँ पर इस टाइप से ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर से नीचे गिरो, तब जाकर यहाँ पर बनती है बॉडी शक्तिशाली। खैर गाइस, यहाँ पर चलते। एंड अपने पास एक और मशीन है रन करने की, दौड़ने की। रुको, यहाँ पर ऊपर चलते। ये गाइस, ये है अपना नॉर्मल सा, इसे पुलअप्स बार से कुछ नहीं होने वाला। ये अपनी ट्रेडमिल जहाँ पर हम रन कर सकते, बिल्कुल भाग दौड़ कर सकते। लेकिन ये मशीन ने भी औकात दिखा दी अपने को नीचे गिरा कर, ये भी अपने को ऊपर नहीं रखने दे रही। तो भाई क्या ही कर सकते, छोड़ो भाई इस मशीन को। एक दिन आऊंगा और सारी को यहाँ पर आरपीजी से उड़ा दूंगा, पूरे घर को तबाह कर देंगे हम। यहाँ पर चलते जल्दी से। और इस गेम के अंदर इस बंदे का, इस कैरेक्टर का एक और भाई है, जो कि कुछ ज़्यादा ही दिन हो चुके, यानी एक दिन हो चुका, अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इस कैरेक्टर को कोई भी परवाह नहीं उस चीज़ की। खैर, यहाँ पर मैं अपना कलेक्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है हमारा कलेक्शन निंजा H2R, और ये है छोटी सी बाइक, और इसी के साथ ये है फॉर्चूनर। देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। वेल, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को देख सको कितना ज़्यादा रिच पर्सन है ये। खैर, यहाँ पर चलते जल्दी से निंजा स्टोर को लेकर। लेकिन वॉइस नोट कौन भेज रहा अभी? वेट, अपने को भेजने वाली कौन है? खैर, तेरे भाई ने तेरा नंबर तो दे दिया, लेकिन लगता नहीं है तेरा भाई बच पाएगा। अगर बचाना चाहता है तो जल्दी से जुरासिक पार्क के अंदर जा, और वहाँ पर एक कार रखी, उसको लेकर शोरूम पर आ जा, तेरा भाई बच जाएगा। ऑल द बेस्ट। वेट अ सेकंड, अभी ये भेजने वाली नहीं, भेजने वाला है, लेकिन हे कौन और क्यों भेज रहा है भाई? तो ये बोल रहा इसका भाई खतरे में, डेंजर में, और ये बोला एक जुरासिक पार्क के अंदर कोई कार है, उसको लेकर तू सिंपल यहाँ पर शोरूम पर आ जा, और फिर तेरे भाई को हम छोड़ देंगे। तो क्या उसको किडनैप कर रखा है क्या? वेट ए सेकंड भाई, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था बिल्कुल भाई। वेट गाइस, मेरे को लगता है उसको कोई किडनैप कर सकता है, क्योंकि वो अलग ही प्राणी है भाई, एक अलग ही मनुष्य वो। तो खैर, यहाँ पर चलते ओल्ड हाउस में। अभी मैं जा रहा हूँ तो अभी चेक करते, क्या पता यहाँ पर मुंह मार रहा हूँ भाई, गिरना नहीं था। ये हम आ चुके अपने ओल्ड हाउस के अंदर भाई। जब से न्यू हाउस के अंदर शिफ्ट हुए, बेचारे इस ओल्ड हाउस को तो भूल ही गए। देखो भाई कितना सुंदर सा हाउस है, यहाँ पर जाले वाले जम चुके, लेकिन इसको अभी कोई भी नहीं पूछता है। खैर, हम पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इसका छोटा जुड़वा भाई हो। इस रूम में तो नहीं है, ओके, ऊपर फ्लोर में हो सकता है कहीं पर, किचन के अंदर नहीं भाई, इधर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं। क्या मतलब वो नहा रहा है? वेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, जैसा मैंने बोल दिया, नहा ही नहीं सकता। खैर गाइस, कहाँ पर है भाई? जब यहाँ पर भी नहीं है, ना इस रूम में, ना इस रूम में, तो भाई कहीं पर वो वॉइस नोट सही तो नहीं था भाई। मेरे को भी थोड़ा सा शक हो रहा है, फिर से बजा एक सेकंड, अभी कौन है? वेट, इसको प्ले करके देखता हूँ। वाह रे, कैसा भाई है, बचाना नहीं चाहता अपने भाई को? खैर, बचाना चाहता है तो जो बोला वो कर ले, वॉज द बेस्ट। वेट ए सेकंड भाई, अभी मेरे को लग रहा है सच में इसके भाई को किडनैप कर लिया गया, जो कि मेरे को आइडिया नहीं कहाँ पर किडनैप किया, कैसे क्या किया। लेकिन गाइस, इसने बोला जुरासिक पार्क के अंदर चलिया, और वहाँ पर एक गाड़ी उसको लेकर सिर्फ शोरूम के अंदर वहाँ पर रख देना। तो वहाँ पर अगर हम रख देंगे तो मेरा एक पॉइंट है, अब हम वहाँ से गाड़ी भी ले आएंगे और कार को हम शोरूम के वहाँ पर भी रख देंगे। लेकिन वहाँ से ऐसा क्या होगा, मतलब वहाँ पर क्या कोई टेलीपोर्ट होगा, कोई जादू होगा जहाँ से हम सिर्फ गाड़ी को रखेंगे और उसका भाई प्रकट हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? खैर, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या सीन है। लेकिन गाइस, अभी बचाना तो पड़ेगा भाई, एक ही खून है इसका मतलब, तो अभी बचाना ही पड़ेगा। चलो भाई, ये एक रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा। एंड चलते हैं भाई। एंड आप लोगों को लग रहा है यहाँ से गाड़ी को ढूंढना कोई इजी तो है, बस जाना ही इधर उधर कहीं पर रखी होगी, उसको लेकर चले जाना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दिन के अंदर ये डायनासोर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनको कोई भी अगर शिकार दिखता है, कोई इंसान स्पेशली दिखता है, तो डायरेक्ट अटैक करते भाई। ये गलत सीन, जैसा कि मैं बोल ही रहा था, इन लोगों ने ऑलरेडी अटैक कर दिया मेरे ऊपर। एंड सभी मुंह खोल खोल कर अपने पास में आ रहे हैं, जो उनको लग रहा है भाई मैं पहले खाऊंगा। और भाई लेफ्ट साइड में दो डायनासोर, नहीं भाई अभी मेरे को टकराना नहीं है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही है भाई, एक दो को तो बात ही, मैंने भाई आरपीजी निकाल कर मैं अभी इनको मार देता। लेकिन भाई पांच साथ है, और भी मैं एक सेकंड के लिए भी गाड़ी मैंने स्टॉप करी तो डायरेक्ट अटैक करेंगे। लेकिन मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ गाड़ी, आई होप मैं ढूंढ पाऊँ, नहीं तो भाई गलत सिर्फ हो जाएगा। अब ये तो जस्ट पीछे ही भाई, लेकिन गाड़ी ऐसी कहाँ पर रख रखी है भाई? और वो बंदा अपने को क्यों बोला, वो खुद ही आकर ले जाता। लेकिन अगर खुद ही आकर ले जा सकता था वो,
तो भाई वो अपने से नहीं बोलता, उसने स्पेशल उस बंदे को किडनैप किया लाया, यानी इसके भाई को। खैर गाइस मेरे को इससे तो गाड़ी मिली नहीं है, और नहीं मिलने की यहाँ पर मैं अभी सोच सकता हूँ, क्योंकि गाइस डायनासोर जितने ज़्यादा हम यहाँ पर वेट कर, नहीं शिट भाग, ओ भाई जस्ट एक सेकंड वहाँ पर अगर गाड़ी स्लो होती तो कोई ना कोई तो झपट्टा मार ही लेता भाई, अभी मर ही जाते। गाइस मेरे को लग रहा है अभी इस जगह पर रुकना बिल्कुल भी यहाँ पर सही बात नहीं होगी, अभी मैं सोचो अभी यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि इससे डायनासोर जैसे मैंने आपको बताया ये दिन के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये देखो भाई अभी तो पीछा छोड़ते उन्होंने, लेकिन अभी मैं जस्ट भागने वाला, अभी फाइनल गेट कहाँ पर, एग्जिट गेट भाई दिख ही नहीं रहा। खैर गाइस मैं आपको बता दूँ, ये डायनासोर दिन में एक्टिव रहते हैं, इनको जब भी कोई शिकार दिखता है चाहे वो कोई इंसान हो या फिर अगर इनको दिन में कोई नहीं मिलता तो फिर इनके छोटे वाले वेलोसिराप्टर उनको ही खा जाते, उनका पेट भर लेते। तो अभी तो हम फिर भी इंसान है भाई, अपने को फिर देख कर सीधा चबा जाएंगे, तो इसलिए दिन में आने का बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए अभी हम आएंगे रात में ताकि बिल्कुल शांत आराम से सो जाए और फिर आकर हम अपनी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से ले जाए। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं रात में, यहाँ पर सुंदर सी रात हो, मस्त ठंडा ठंडा पानी हो और वो भी सर्दी हो, तो भाई कैरेक्टर का जमना पॉसिबल संभव है, सर्दी वर्दी सब कुछ हो सकती है। खैर यहाँ पर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, ये अपने को अभी इसके भाई को बचाना हो मस्त, और हम मस्त यहाँ पर स्विम कर रहे हैं। खैर गाइस चलते जल्दी से, और अभी जैसे मैंने आपको बताया था रात के अंदर वो बिल्कुल ही सो जाते हैं, मतलब आम इंसान की तरह वो भी सो जाते, लेकिन आम इंसान यहाँ पर स्ट्रगल करता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनको कैसा पैसे कमाना, उनको जस्ट पेट भरना है, तो वो बस दिन के अंदर वही काम करते हैं, उनको बस पेट भरना निकालना और सोना, बस यही उनकी ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं है। तो इसलिए सभी रात के अंदर वो बिल्कुल सो रहे होंगे आराम से, और हम जाकर वहाँ पर गाड़ी को चुरा लेंगे बिल्कुल ईजीली। तो आई होप जितना मैं ईजीली बोल रहा हूँ उतना ही ईजी हो ये चुराना। वेल गाइस उस बंदे ने अपने को बोला था, उसकी ना वॉइस मेरे को समझ में आ रही नहीं, उसने कुछ ज़्यादा हिंट दिए, उसकी सिर्फ वॉइस है और उसने बस टास्क दिया, उसके अलावा उसने और भी कुछ भी नहीं बोला, ना उसने ये बोला कि मैं कौन हूँ या फिर कहाँ पर तुम्हारा भाई किडनैप है या फिर क्या कुछ सीन, और हो सकता है अपना भाई किडनैप भी नहीं हो, लेकिन मेरे को लगता भाई वो है किडनैप, क्योंकि ऑलरेडी दो दिन बीत चुके हैं एंड अभी तक वो घर पर नहीं आया, तो कुछ अलग ही सीन हो सकता है। खैर यहाँ पर देखते कहाँ पर हो सकता है, अबे भाई गाड़ी ये ओल्डन नहीं नहीं थी भाई। खैर यहाँ पर गेट को करते ओपन, चलिए भाई अभी गेट खुल जा जल्दी से, और अभी हम चलते जुरासिक पार्क के अंदर। सो गाइस अभी हम अंदर तो आ चुके एंड भाई अभी मैं लाइट को ना ऑफ कर देता, क्योंकि गाइस यहाँ पर उनको अगर पता चल चुका डायनासोर को ऐसा कुछ पता चल जाएगा कि कोई इंसान घुस चुका है या फिर उनका नाक और कान बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उनको अगर पता चल गया तो भाई अपना खेल खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ पर, हम ना लेफ्ट साइड चलते हैं, क्योंकि हम पहले हम लास्ट टाइम हम गए थे सीधा स्ट्रेट, तो पूरा हम लास्ट वाली जाली तक चले गए थे स्ट्रेट, तो हमने गाड़ी नहीं मिली थी, तो अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपको वो जालियाँ दिख रही वहाँ तक हम ढूंढेंगे, अगर वहाँ तक मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपने पास एक और ऑप्शन है राइट साइड ही जाना पड़ेगा, और हम कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए चलते अभी जल्दी से, एंड वो गाड़ी ऐसी कौन सी गाड़ी, मतलब कोई एक सीक्रेट कार है या फिर कोई इंडियन कार है या फिर कोई सुपर कार है, स्पोर्ट कार है या फिर कोई हॉरर कार है, मतलब ऐसा क्या है उसमें जो कि मतलब यहाँ पर ऐसे छुपा कर रख रखी है, पता नहीं कुछ अलग ही सीन है। एंड वेल गाइस अभी तक तो मेरे को गाड़ी दिखी नहीं है, और यहाँ पर जस्ट एंडिंग पॉइंट भी आ चुका है। ओ वेट, अबे लो भाई ये रही अपनी कार, और ये कौन सी, ये तो टार्जन है भाई, अबे इस गाड़ी के लिए इतना यहाँ पर घुमाना भाई, फाइनली यहाँ पर अपने को गाड़ी तो मिल चुकी है भाई साहब, इस गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा देखो भाई, और वैसे गाड़ी बिल्कुल सेफ है, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, यहाँ पर डायनासोर रहते उन्होंने इस गाड़ी को तोड़ा फोड़ा क्यों नहीं, और ये गाड़ी यहाँ पर लाया कौन पहली बात तो ये पता नहीं, कुछ अलग ही सीन है। चलो भाई अभी चलते इसको लेकर जल्दी से, एंड बस यहाँ से एक बार बाहर निकल जाए फिर तो बस मजे ही मजे। तो चलो भाई अभी चलते हैं, ये गाड़ी वैसे काफ़ी सही है भाई, लेकिन ये कुछ स्पेशल, मतलब इसके अंदर कुछ जादू ही कुछ है क्या, मतलब टार्जन कार है ऑब्वियसली, तो ये कोई नॉर्मल कार नहीं, लाइक स्कॉर्पियो या फिर फॉर्चुनर टाइप की गाड़ी नहीं, कुछ स्पेशल है। तो देखते भाई यहाँ पर एग्जिट गेट किधर है, यहाँ पर टॉर्च को हम ऑन कर लेते यानी इसके लाइट को, ताकि हम अच्छे से देख पाए, एंड इसी साइड जाना है ना भाई, मैं रास्ता ना बोल जाओ। वेट गाइस यहाँ पर कोई डायनासोर, वो टपे डायनासोर आ चुका है, शिट भाई ये गलत सीन, नहीं नहीं चलो भाई अभी मेरे को यहाँ पर जल्दी से भागना पड़ेगा भाई, जस्ट अपने पीछे डायनासोर पड़ चुका है भाई, और ये गाड़ी मेरे को समझ आ रहा है, अबे शिट भाई ये ऑटोमेटिक उस साइड क्यों जा रही भाई, मेरे को ये कंट्रोल ही नहीं हो रही, जस्ट अपने सामने भाई इससे ज़्यादा कि ज़्यादा डायनासोर आए, मेरे को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा, और इस बार तो ये बच्चे को भी लेकर आए इसके भाई, पहले सोचा था ये सारे बड़े बड़े आए थे, इस बार तो ये बड़ा और इसके साथ में छोटा पिकेट भी आया भाई, ये गलत सीन है भाई, जल्दी से यहाँ पर भागना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी एग्जिट गेट कहाँ पर है? वैसे इतनी स्लीप क्यों हुई भाई? इसके अंदर क्या ड्रिफ्ट किट लगी हुई यहाँ पर स्लीप हो रही इतनी? मैं लगा इस मेरे को गेट तक नहीं मिल रहा भाई, कहाँ से अभी एग्जिट कहाँ से होऊंगा मैं भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा शिट भाई, इससे पहले कि मेरे को खा जाए मेरे को जल्दी से भागना पड़ेगा भाई। ओके आई थिंक मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ भाई, अभी जस्ट पीछा उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी यहाँ पर सेंस नहीं बनता, जल्दी से भागना पड़ेगा। गेट खुल जा लेस गो। ओ भाई आखिरकार ये सबसे बड़ा टास्क था लिटरली, क्योंकि यहाँ पर ये डायनासोर जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही डेंजर लेवल का डायनासोर है, लेकिन ये गाड़ी ना स्टेबल नहीं चल रही है, शायद से इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रखी है। ये मतलब हम टर्न थोड़ा सा करते तो ज़्यादा टर्न हो रही है। देखो भाई ये क्या क्या चल क्या रहा है, इसको नॉर्मल नहीं चला पा रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा अगर टर्न ले रहे तो ये डायरेक्ट स्लिप होते जा रही। इसके अंदर क्या ड्रिफ्ट किट लगा रखी है या फिर कुछ स्पेशल, इसीलिए तो उस बंदे ने मंगाई है, मतलब कोई नॉर्मल गाड़ी भी मंगा सकता था, लाइक ये बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी है। ये भाई टक्कर मर चुकी है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इस अपने को इस गाड़ी को शोरूम के अंदर रखना है, और फिर रखने के बाद अपना आईको वो बंदा अपने इस भाई को छोड़ दे। लेट्स गो, अबे टक्कर नहीं मारनी थी भाई, कहीं पर ऐसा ना हो वो देख ले कि डैमेज हो रहा है, फिर से लेकर आओ भाई। ऐसा हुआ तो भाई लिटरली मैं अभी मैं मरने दूंगा इसके भाई को, कोई टेंशन नहीं, मर जा भाई तू। तो चलो गाइस इसे यहाँ पर अंदर रखने की उसने बोला था, तो डायरेक्ट सीधे अंदर रख देते। तो चलिए गाइस लेट्स गो चलते अभी। वेट एक सेकंड, ये थ्री स्टार किस चीज के भाई? मेरे को एक तो ये कुछ समझ नहीं आता भाई, किस चीज के मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई? तो गाइस मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी इसमें कुछ ऐसा स्पेशल चीज है, कुछ डिटेक्ट हो चुकी पुलिस वालों को इसीलिए, या फिर कुछ स्पेशल भाई गलत सीन भाई, ये पुलिस वाले आ चुके हैं। सो गाइस इसीलिए वो बंदे ने अपने को बोला ये गाड़ी लाने के लिए, इसमें कुछ जरूर ना जरूर कुछ झोल है, इसलिए पुलिस अपने पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन भाई अभी गाड़ी भी तो नहीं है सेकंड जिससे मैं भाग सकूं यहाँ पर भाई। वेट अभी इसको मारना ही पड़ेगा, अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ बिल्कुल साइलेंटली हम काम कर ले, लेकिन नहीं भाई अभी यहाँ पर आरपीजी चलानी पड़ेगी, एंड अभी अपने को यहाँ पर लोगों को मारना ही पड़ेगा तो ही ये काम डन होगा। प्लस वो वैसे अभी अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं, यही गाड़ी लेकर अपने को जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अभी अपने पास दूसरी गाड़ी है, लेकिन इससे पहले इसको ख़त्म। अरे नहीं भाई ये जस्ट अपनी गाड़ी के पास में, अगर इसको फोड़ दिया तो अपनी गाड़ी भी फूट जाएगी, तो कोई वो ना एक बंदा वहाँ से जाकर उसकी गाड़ी को फोड़ दे। चलो भाई अभी एक बंदे को हमने किल कर दिया, लेकिन अभी जल्दी से भागते बैठते गाड़ी के अंदर, जल्दी बैठ जल्दी भाई, अपनी हेल्थ जारी सीट अपने जस्ट सामने। भाई ये कौन था भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से गाड़ी लेकर आए, लेकिन ये भाई ये पुलिस वाला नहीं था, मेरे को लगा ये पुलिस वाला इसको मैं कुचलने की कोशिश कर रहा था। खैर कैसे अभी फुटपाथ पर नहीं चला, यहाँ पर सलमान भाई बनने की नाटक नहीं करते, नहीं तो भाई अपने गेम खत्म हो जाएगा यहीं पर। चल भाई जल्दी जल्दी। सो वैसे अभी हम रोड की साइड से अगर जाएंगे तो अपना रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले आते जाएंगे और वो इन्फाइनेट आते जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रोड पर चलने के बजाय हमें चलना चाहिए इस बीच की साइड, ताकि यहाँ पर पुलिस वाले कम आए और भाई हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी अपनी। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पुलिस वाले भाई, बिल्कुल ही देखते अपने को मारने लग जाते। तो खैर गाइस मैं थोड़ा सा टाइम यहीं पर स्पेंड करूँ पूरी रात, देखते भाई नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है। ओके गाइस यहाँ पर ना मैं लास्ट टाइम यहाँ से पुलिस वालों से तो ऑलरेडी काफ़ी जल्दी एस्केप कर लिया था, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर गया नहीं, क्या पता कुछ डेंजर का सिचुएशन हो। तो पूरी रात यहाँ पर मस्त बीच पर तैरने के बाद अभी सुबह हो चुकी और अभी इन्हीं की गाड़ी को लेकर मैं जाने वाला हूँ अभी नेक्स्ट। तो चलते गए जल्दी से यहाँ से बाहर चलते, एंड भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक डेंजर पुलिस वाले भाई। गाड़ी देखो एक बार क्या हालत हो चुकी है अपनी, गाड़ी के पीछे से इसका ग्लास टूट चुका है और सारे के सारे गेट टूट चुके हैं। गाड़ी चल रही वो भी बहुत ही बड़ी बात है। खैर गाइस यहाँ पर चलते जल्दी से, एंड अभी घर पर जाकर देखते क्या इसका भाई आ चुका है क्या। वेट फिर से रिंग कर रहा भाई, अभी क्या है? वाह मेरे शेर, बिल्कुल इस सही बंदे को चुना है मैंने। खैर बहुत बढ़िया काम किया, ऑल द बेस्ट। अभी एक और काम करना पड़ेगा तेरे को, अभी तू एयरपोर्ट पर जा, वहाँ पर तेरे को एक हेलीकॉप्टर मिलेगा, उस हेलीकॉप्टर लेकर इस सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर आ जा, फिर तेरे भाई को छोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। भाई ये मेरे को एक बंदा तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, कौन है ये ऐसा प्राणी? मैं अगर सामने दिख गया तो इसके यहाँ पर चित्रे चित्रे उड़ा दूंगा। वेल गाइस अभी चलते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रही इतना ज़्यादा टास्क क्यों दे रहा है। एंड गाइस अभी मैं इस वाली गाड़ी को लेकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्यों गाइस इसके अंदर ऑलरेडी साइरन लगा हुआ है, एंड ये चुई चुई करती रहेगी तो फिर पता नहीं कोई पुलिस वाला आकर अपने को मार ही डालेगा। तो चलो गाइस इस बंदे की गाड़ी को हमने ले लिया, यहाँ पर छीन लिया, एंड अभी अपने को जाना है अपने एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर कोई एक हेलीकॉप्टर उसको लेकर अपने को इस सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर जाना है।
वैसे गाइस काफी टाइम हो चुका, लगभग एक साल तो मेरे को गेम, एक साल के दो साल भाई काफी टाइम से खेल रहा हूँ, लेकिन आज दिन तक मेरे को पता नहीं चला इस गेम की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी। अभी ये अलग एफर्ट लगने वाले भाई, चलो भाई ये भी ट्राई कर लेंगे। अबे यार ये गाड़ी एक तो पता नहीं कौन से नशे करके चल रही है भाई, क्या गाड़ी है। अब नहीं ये क्या सीन है यार, शिट अभी ऐसे टंग चुकी बिल्कुल ये भाई, अभी चलेगी भी नहीं। ये देखो भाई खत्म है भाई, अभी लगता है यहाँ पर एग्जिट करके पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर तो पहुँच चुके ऑलमोस्ट, तो चलो भाई गिर जा, हाँ तू मर जा यहीं पर, ख़त्म हो जा। खैर गाइस चलते जल्दी से इस गेट से, यहाँ से जा सकते नहीं भाई, गेट से जाना पड़ेगा, इतना घूम कर सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। खैर गाइस चलते अभी, कर भी क्या सकते, दूसरी गाड़ी तो है नहीं। ओके गाइस फाइनली आ चुके एयरपोर्ट के अंदर, एंड ये है अपना हेलीकॉप्टर। तो चलो गाइस अभी लेते इसको जल्दी से उड़ाते, एंड पहले तो मेरे को जितना आइडिया है कि यहाँ पर अपने इस सिटी के अंदर एक बीच में बिल्डिंग है, लाइक एक दो बिल्डिंग साइड में है, और मैं आपको दिखा तो वो ही सबसे बड़ी बिल्डिंग हो सकती है। वो देखो गाइस इस वाले एंगल से आप देखो सामने, लेकिन पीछे की साइड को एक और बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन हम जिस सिटी के अंदर रहते हैं ये वाली इस वो अलग सिटी, वो ईस्टर्न सिटी है और एक टाइप से नॉर्मल सिटी है। तो ये वाली सिटी के अंदर बात हो रही है, तो शायद से इससे बड़ी बिल्डिंग तो मेरे को दिखती नहीं है, देखो सामने यही हो सकती है। तो चलो गाइस चलते भी देखते इसके ऊपर लैंड कर देते, एंड देखते फिर क्या होता है। तो चलो गाइस अभी काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पर लैंड करना होगा, एंड क्या यहाँ पर ऑलरेडी इसका भाई तो नहीं है, वेट नहीं भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मेरे को लगा क्या पता यहाँ पर उसने छोड़ दिया, यहाँ पर हम आए उसको लेकर फिर से चले जाए, लेकिन नहीं भाई यहाँ पर तो कोई भी बंदा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। वेल गाइस ये बिल्डिंग ऑलरेडी बड़ी है, लेकिन वो सामने वाली बिल्डिंग मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है इससे भी ज़्यादा बड़ी है। वो देखो भाई वो यहाँ से अगर देखा जाए तो ऊपर लग रही है, मतलब इस वाली बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंची लग रही है, और इस साइड तो नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी इसके जैसी है लगभग। वेल गाइस यहाँ पर फिर से रिंग करा, एक सेकंड, अरे एक नंबर, ये काम तूने बहुत ही बढ़िया किया, ये लास्ट टास्क था जो कि तूने कर दिया, अभी तेरा भाई जल्द ही आने वाला है, तू बस थोड़ा सा इंतजार कर, यहीं पर तेरे को 30 सेकंड वेट करना है, यहाँ पर तेरे सामने कोई चीज आएगी, बस उस चीज का इंतजार करना और फिर तेरा काम डन हो जाएगा, एंड आई होप तू उस काम को कर पाए, चल बेटा ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। अरे भाई ये कौन बंदा है भाई, लेकिन एक सेकंड ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या सीन है भाई, शिट भाई ये क्या है।